बाबा जी, मुझे डर इस बात का नहीं है कि सातवें दिन में मर जाऊंगा। डर है तो मुझे इस बात का कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। बाबा जी, मैं अपनी मुक्ति कराना चाहता हूँ, अपना मोक्ष कराना चाहता हूँ, तो आप मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बता दीजिए। जब ये बात कही कि मुक्ति का रास्ता बता दीजिए, तो बुजुर्गो नारद जी ने जवाब दिया, अगर तुम मुक्ति का रास्ता चाह रहे हो तो ऐसा करो कि अब तुम संसार की मोह माया छोड़ो, घर परिवार को छोड़ो, और छोड़ करके जंगल में जाकर के तुम संतों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करो और उस कथा को श्रवण करो। और जब तुम कथा को श्रवण करोगे तो हमें पूरा भरोसा है कि भागवत के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। आज परीक्षित ने उसी समय मोह माया को छोड़ा। परीक्षित के पुत्र थे जिनका नाम था जनमेजय। तो परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय का राज्य तिलक करवाया और राज तिलक करवा करके परीक्षित जंगल के लिए जाने लगे। नवलदेव रोती रह गई। हुआ ऐसा